राम नाम रटते रहो जब तक तन में प्राण, और कबहु तो दीनानाथ के भनक पड़े इस कली काल में। बाबा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है क्या, ये कलयुग तरन ओहो उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। इस कली काल से इस कलयुग से पार उतारने के दो सीधे उपाय हैं, राम भजन और रामायण। तो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नपास होगा, होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लेवा, रख देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, होगा वही जाएगा भव से पार जो हरि चरणों का दास होगा। इसलिए कहना है मानव से, हे सिया राम, क्या बात, सिया राम ना भजेगा ये हो, क्या भव से पार हो राम नाम रटे बिना तो भवसागर से पार होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये हो ये राम मेरे राम, प्यारे राम ना भजेगा ये हो, क्या भव से पार हो, सिया राम ना भजेगा क्या भव से पार हो, सिया राम ना भजेगा क्या भव से पार होगा। क्योंकि 84 लाख योनि भोगने के बाद प्रभु ने ये मौका हमें दिया है क्या, ये 84 लाख योनि ये हो कहकर मुश्किलों से, 84 लाख योनि क्यों गवाया प्यारे प्यारे, सिया राम ये रे राम, हो सिया राम बिना भजेगा क्या भव से पार होगा, सिया राम बिना भजेगा क्या भव से आइए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कथा अभी आपने सुना।